ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जम्मू कश्मीर में विकास को लेकर बड़ा बयान दिया है, जहां धारा 370 के हटने के बाद उन्होंने जम्मू कश्मीर में विकास नई लहर का जिक्र किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर में हो रहे विकास की सराहना की। उन्होंने कहा कि धारा 370 के निरस्त होने के बाद से शांति और विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ है और इसका सीधा लाभ जम्मू कश्मीर के लोगों को मिल रहा है। सीएम धामी ने आगामी चुनावों में मतदाताओं से विकास को प्राथमिकता देने का आह्वान किया और कहा कि इस बार जम्मू कश्मीर में कमल खिलेगा। जम्मू कश्मीर की जनता एक नया इतिहास रचने की तैयारी में है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू और कश्मीर का एक नया अध्याय शुरू हुआ है। विकास और शांति का मार्ग प्रशस्त हुआ है। उसके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है और 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू और कश्मीर में जो विकास की लहर आई है उसका सीधा लाभ यहां के लोगों को मिलना प्रारंभ हो गया है। और इस बार मैं अभी पिछले दिनों भी यहां प्रचार के संबंध में आया था, तब मैंने जिस प्रकार से लोगों में उत्साह देखा है, जोश देखा है और आज भी मैं आप सबकी इतनी बड़ी संख्या देख रहा हूं, मेरे मन में अब कोई संशय नहीं है। अभी डॉक्टर साहब, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी आप सबको बहुत विस्तार से एक एक बात समझा रहे थे, उससे पहले जीवन लाल जी अपनी बात रख रहे थे, लेकिन मेरे मन में 1% का भी संशय नहीं है कि यहां से कमल खिलने वाला है और जीवन लाल जी भारी बहुमत से यहां से जीतने वाले हैं, आप सब जिताने वाले हैं। एक नया इतिहास जम्मू और कश्मीर की जनता रचने जा रही है। इस बार के चुनाव में यहां के मतदाता विकास को प्राथमिकता देते हुए पूरे जम्मू के अंदर, पूरे कश्मीर के अंदर कमल खिलाने जा रहे हैं। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।